जाने वाली हूँ। मैंने कहा कि 2007 के अंदर हेलीकॉप्टर से इस मैदान में उतरने का मुझे सौभाग्य मिला था। उस समय मुझे याद है कि हेलीकॉप्टर तो क्या कोई प्रॉब्लम हो गई थी और इसलिए यहाँ उतरना पड़ा था, और जल्दीबाजी में और किसी को बता के भी नहीं उतरे, और सबने गाड़ी घेर के मेरे को बोला कि भाई ये सड़क का कुछ करिए, ये सड़क की हालत बहुत खराब हो रही है। मैंने तभी आप लोगों को कहा था और तुरंत ही जाते जाते भी उसको पूरा करने की कोशिश की थी। और मैं अब आपको कह रही हूँ कि जयपुर वाला मार्ग बंद नहीं होगा, पहले भी नहीं था, इसलिए हो सकता है। मैंने उस समय आपको बताया था, और इसी रोड से आपको याद है, मुझे मालूम है कि सरिस्का वालों ने ये सोच रखा था कि भाई इसका क्या अपन करेंगे आगे, परंतु मेरा ये कहना है कि शॉर्टेस्ट रूट था, उसको ले जाने की अपन कोशिश करेंगे। आप भी मेरी मदद करेंगे, मैं भी आपकी मदद करूंगी, इस चीज को याद रखने की जरूरत है। फिर खाली आपकी नहीं चलेगी, मेरी भी चलेगी, इस चीज को ध्यान रखना। हम लोग दोनों जन बैठेंगे, दोनों जन इन चीजों को निपटाने का कोशिश करेंगे, साथ मिलकर करेंगे। मंजूर है? मंजूर है, चलो ये मंजूर है तो मजा ही आ गया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी सब माताएं बहनों को, जिन्होंने इतनी संख्या में आके आज हम सब की हौसला अफजाई की, और मेरे सब भाई और बुजुर्गण जो इस मैदान के अंदर फैले हुए हैं, इतना सारा कीचड़, इतना सारा पानी, सब कुछ होने के बावजूद भी आप लोग से टिके रहे, दस से मस नहीं हुए, और आप लोगों ने मैंने जोरदार तरीके से प्यार दिया। ये मैं अब आपके प्यार की कर्जदार हो गई हूँ, इसी के कायल हूँ। आप ऐसे प्यार देते रहोगे तो हम तो भैया रोज रोज दौड़ते ही रहेंगे। काम है पहली मीटिंग ऐसी मीटिंग है जिस मीटिंग के अंदर मैंने गाड़ी से सीधे यहाँ तक प्रवेश किया है। इतना कीचड़ वहां से लेके यहाँ तक आने का पूरा मौका मुझे मिला आप लोगों के पीछे से, नहीं तो कभी मैं गाड़ी लेके कभी मीटिंग के अंदर ऐसे नहीं आई। आप आई हो, आपने दे दिया इजाजत और आपने इतना प्यार दिया। मैंने सब लोगों को ये कहा कि 4.5 साल की जो हरकतें हैं वो हम सबको देखने को मिली। मैं सातों संभाग में होके आ रही हूँ, और जो आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है ना पानी की, अभी मैं देख रही थी कि आप लोगों को पानी थाना गाजी शहर के अंदर आधे क्षेत्र में तो पेयजल की भारी समस्या है, या 5 में से 3 बोरिंग बंद हो गए हैं और लोगों को टैंकर से पानी खरीदना पड़ रहा है, क्या ये सही है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, परंतु रस्ते भर और सातों संभाग में जहां से भी मैं निकली हूँ वहां लोगों ने मेरे को चला चला के गाड़ी रोक रोक के एक ही बात कही है कि हमारे पानी की समस्या है। बाड़मेर से चलो, कोटा में जाओ, आप अजमेर में जाओ, आपके यहाँ पहुंचो, सब जगह आंख बंद करके खड़े हो जाओ तो राजस्थान के सातों संभाग की वही मुसीबत है। ना पानी है, ना बिजली, ना बिजली है, ना आपका रोजगार है, और ना आपके डॉक्टर है, ना टीचर है, क्या है, क्या किया? अभी मैं गांव से रुकते हुए आई तो मैंने गांव वालों से पूछा, पानी है सर? नहीं है। बिजली है? साफ नहीं है। मैंने कहा सिंगल फेज की बिजली? नहीं है। मैं 3 फेज की बिजली? नहीं है। मैंने कहा भैया रोजगार का कुछ? नहीं है। डॉक्टर टीचर साहब, हमने वो जो हमारा पीएचसी है, पीएचसी के ऊपर ताला पड़ गया है, और टीचर हमारे खाली 3 है, हमारा सेकेंडरी स्कूल है, अब बताओ हमारा क्या काम होगा? तो मैंने कहा कि आप लोग करते क्या हो, 4.5 साल निकल गए, कुछ भी नहीं है, गांव के पास कुछ भी नहीं है, और अभी भी हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। मैंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हमको तो ऐसे आराम में आपने कभी बैठने दिया नहीं, अभी तो मेरे को ये कहोगे अरे आगे चलो हम तुम्हारे साथ हैं, ये सब कर लिया, हम तो आगे चल गए, सरकार भी बन गई, उसके बाद सब सड़क पे आ गए। मैंने कहा ये क्यों करते हो भैया? तो बोले मेरे को कि अरे साहब मेरी तो बात आप ही तो सुनते हो, और कोई सुनता ही नहीं है, जो सुनने वाला है उसी को सुनाएंगे। क्या बाबा? जो सुनने वाला है उसी को सुनाएंगे, जो सुनता ही नहीं है उसको क्या सुनाना और क्या सुनेगा? तो समझ में आ गई भाइयों, तो इसका मतलब मेरे को यह है कि पहले तो मैं जूझू, लड़ू, दौड़ू, भागू, और उसके बाद फिर आप लोगों से भी वही बात सुनो। मैंने ये कहा ये तो परिवार है, मेरा सौभाग्य है कि एक ऐसा प्यार भरा परिवार मुझे मिला है। मुझे प्यार भी मिलता है, आंखें भी दिखाते हैं, सब कुछ करने को तैयार है। मैंने ये कहा कि किन किन लोगों का सौभाग्य है कि ऐसा परिवार उन लोगों को मिल जाता है,
मुझे बड़ी खुशी है और मैं धन्यवाद बार बार भगवान को देती हूँ कि आप जैसे लोग मुझे मिले हैं, कुछ भी हो, हमारे हो और जैसे भी हो, मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि आपकी बड़ाई, आपको फल लाने फूलने में, आपको मजबूत बनाने में जितनी ताकत हम सबको लगानी पड़ेगी उसमें आप कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। ये सब लोगों को मैं वायदा कहना चाहती हूँ। ये पिछले 4 साल से हमको देखने को नहीं मिला भाई। मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ जो सब लोग बैठे हुए किसानों को 3 फेज बिजली जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, आप लोग किसी को मिली? क्या लिखा है? पर्याप्त बिजली देंगे, पूरे 8 घंटे देंगे ताकि आपके फसल में कोई नुकसान ना हो। मिला किसी को? किसी को नहीं मिला। मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं आपको पूरे 8 घंटे बिजली दे दूं तो मैं उस 8 घंटे के पैसे भी लूंगी, परंतु मैं पैसे भी दे रही हूँ, बिजली भी नहीं दे रही हूँ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और आंख निकाल के फिर मैं कहती हूँ कि ठीक है भैया, तुम्हारे PCR बनेगा, तुम्हारी पेनल्टी लगेगी, तुमको अंदर बंद कर दिया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में कौन सा आदमी यह है जो अपने काम के लिए वो नहीं डालेगा? क्यों? मैं सब लोगों को उसका रोक दिया था कि नहीं? आप लोगों को उस समय के अंदर जब बिजली देने का काम शुरू किया था तो किसी की चिंता नहीं थी। लोगों को ध्यान में आ गया कि हम विश्वास करते हैं, इन्होंने कहा है हमको बिजली देंगी तो बिजली पूरा देंगी। और मैं माता बहनें पहली बार इतिहास में राजस्थान के आप लोगों को एक 24 घंटे की लाइन देने की शुरुआत की थी अलग से सिर्फ आपको घर के लिए। ये पहली बार हुआ और 18 घंटे बिजली तक मैं पहुंचा दिया था। और मैं अब आपको ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले हमारे घरेलू बिजली आपको 24 घंटे लाके दूंगी, ये मैं सबको विश्वास कराना चाहती हूँ। महिलाओं को कह रही हूँ मैं ये बिजली आप लोगों को लाके दूंगी, क्योंकि मैंने सोच के कहा था ये सब काम पे जाते हैं, गर्मी 50 डिग्री की होती है, वापस ठंडे घर में आएंगे, आप खाना बनाओगे, अपना क्या कहते हैं कूलर चलाओगे, अपना फ्रिज चलाओगे, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, घर के अंदर बिजली होगी तो बिजली के नीचे उनको पढ़ने का भी मौका मिल जाएगा। पर मैं देखती हूँ कि स्कूल ही नहीं है, इतना सब कुछ करने के बाद ना तो बिजली आ रही है और ना आपके स्कूल है, और स्कूल है तो टीचर नहीं है, और बच्चे है तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो बच्चे नहीं है। और बच्चों ने इतने बड़े बड़े ताले लगा दिए, गांव वालों ने इतने बड़े बड़े ताले लगा दिए हैं उन स्कूल्स के ऊपर जिन स्कूल के ऊपर टीचर आने चाहिए थे और नहीं आए। अब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आगे चल के इन्हीं बच्चों को कंपटीशन में बैठना है, इन्हीं बच्चों को आगे चल के रोजगार मिलाना है, उनको दिलवाना है। पर ये बच्चों को बाहर पलायन करने की आदत हो गई है, क्योंकि उनको लगता है कि 5 साल से राजस्थान के अंदर हमको नौकरी मिलेगी नहीं, तो हम लोग कहीं भी ढूंढे, या तो बाहर जाके काम करें, या अपने खेतों में काम करें, या चुपचाप हाथ के ऊपर हाथ रख के राजस्थान के अंदर बैठे। हमने सबको कह दिया था कि अगर पढ़े लिखे बच्चे हो तो तुमको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, 2 साल के लिए मिलेगा, उसको इस्तेमाल करो, अच्छी नौकरी ढूंढो और राजस्थान के अंदर काम करके राजस्थान का विकास उसके अंदर अपना हाथ बटाओ। ये सब करके आपको अपने समय में 10 लाख बच्चों को सरकारी और गैर सरकारी नौकरी देने का हमने काम किया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 4.5 साल के अंदर क्यों नहीं हुआ? यही नहीं हुआ, परंतु उन्होंने टेट नाम की एक बहुत बड़ी चीज आपके बीच में रख दी है, सब बच्चों को उसके अंदर उलझाने का काम कर दिया है। मैं सबको कह दिया उसका प्रबंधन करूंगी, और करके जो RPSC के द्वारा पहले आप लोगों को नौकरी देने का मैंने काम किया था वो आप लोगों को फिर से देने का काम करूंगी, ताकि आप लोगों को कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगी। मुझे समझ में नहीं आया ये करने की जरूरत ही क्या थी। इसके साथ बैठ के, आप लोगों के साथ बैठ के इन सब चीजों को सुलझाने का काम हम लोग कर सकते थे, आराम से कर सकते। माताएं बहने, मैं अब आपके ऊपर आना चाहती हूँ। आज इन लोगों ने सब लोगों को लुभाने के लिए पेंशन चालू कर दिया है। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि 2007 के अंदर भामाशाह योजना के द्वारा आप लोगों को ध्यान में रख के आगे महिला को करके 50 लाख परिवारों को आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने करने की शुरुआत की थी। आज भी 200 करोड़ रुपए वो बैंक में पड़ा है, इन लोगों ने निकाला ही नहीं है। टोटल 800 करोड़ की स्कीम थी और महिला को कार्ड मिलता, महिला के नाम पे वो होता, महिला की इज्जत होती, महिला का स्वाभिमान बढ़ाने का हमने काम करने की शुरुआत की थी। और मैं बताना चाहती हूँ इसमें ST SC और आपके BPL परिवार और आपके लघु और सीमांत कृषक, इन लोग सबको पेंशन और भी पैसा वो सब उसके अंदर आपको मिल जाता। और कार्ड के ऊपर मैंने
आप लोगों को स्वास्थ्य बीमा 30,000 रुपए का भी डलवाया था, ताकि अपने परिवार के बच्चे हो, बड़े बुजुर्ग हो, उन सबको कहीं जरूरत पड़ेगी तो 30,000 तक अपनी स्वास्थ्य बीमा का इंतजाम अपन कर सकते थे। ये तब से पड़ा हुआ है, अगर उसको आज तक इस्तेमाल कर लिया होता तो आप लोग सबको व्यवस्थित रूप से पेंशन भी मिलती और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। आज महिलाओं के साथ अत्याचार तो हो रहा है, परंतु महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम, उनको पढ़ाई लिखाई का काम, उनको उनका स्वाभिमान देने का काम किसी ने नहीं किया है। मैं आप लोग सबको महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि ये काम हम करके छोड़ेंगे, आपको आगे करने का काम हम करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि महिला ही घर की इज्जत, महिला ही घर की बरकत होती है। अगर महिला और हमारी बहू बेटी इनकी इज्जत को हम बचाए रखते हैं तो हमारे परिवार की इज्जत होती है। जिस दिन हमारे घर की महिला उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने का काम करता है तो हमारा परिवार भी खत्म हो जाता है, वो परिवार आगे बढ़ नहीं सकता है। जो मुखिया अपनी बहू बेटियों की इज्जत को संभाल नहीं सकेगा, वो मुखिया जो है उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, आगे बढ़ नहीं सकता। महिला की इज्जत सबसे प्यारी होती है, और राजस्थान वो है प्रदेश जिसमें सिर कट जाता था, परंतु हम महिलाओं की इज्जत को बचाने का काम करते थे। आज मैं सबको कहना चाहती हूँ कि महिलाओं की इज्जत हम बचाए रखेंगे। और माताएं बहने, जिन कठिनाइयों के अंदर से आपको आज निकलना पड़ रहा है उसमें थोड़ा सा हाथ बचाने का काम हम भी करेंगे। आज मैं देख रही थी महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है, और माता बहने आप लोग बैठी हो, जरा मेरे को ये बता दो गैस मिल रहा है आराम से गैस मिल रहा है क्या? हमारे समय के अंदर 261 रुपए गैस का था, और जितना गैस चाहिए वो ले जाओ, आज कितना हो गया? आप आ जाओ सड़क के ऊपर तो 1200 रुपए ब्लैक में तो मिलता ही मिलता है, और आपको 7 गैस सिलेंडर से ज्यादा वैसे नहीं मिलेगा। नहीं लेना है तो 1200 रुपए का ले लीजिए, बाहर लीजिए, और आपको घर के अंदर वो मिलने वाला नहीं है। मैंने अभी पेट्रोल का पता किया तो पेट्रोल के क्या प्राइस हो गए, बस अभी 100 पे नहीं पहुंचे, अभी समय है, अभी 2 रुपए बढ़ गए थे, पर 2 रुपए क्या होता है, वो तो आप लोग आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। कितना हो गया डीजल का, डीजल कितना हो गया? हर महीने 50 पैसे बढ़ा देंगे तो आपको तो कोई दुख नहीं होगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमने बढ़ा दिया है, क्योंकि इनने तय कर लिया है कि हर महीने 50-50 पैसे हम बढ़ाएंगे, और इस प्यार से बढ़ाएंगे कि किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि डीजल बढ़ गया है। मैं अभी भीलवाड़ा के आगे कहीं निकल रही थी तो एक व्यक्ति बेचारा अपना डब्बा लेके दोपहर का खाना उसमें वो मेरे लिए रुका, तो जैसे रोड पे रुका था, हम लोग चाय पीने रुक गए थे, तो मैंने अपने साथ में सब थे भूपेंद्र जी थे, मैंने उनको कहा जरा इनसे पूछ तो लेना कि इनके डिब्बे में क्या है, तो किसी ने मेरे से कहा ये बड़ा अच्छा नहीं लगता कि उनसे पूछो कि तुम्हारे डिब्बे में क्या है बाबा ये तो बता दो। मैंने कहा पूछ तो लो, मेरे पता करना है। उसने बताया मेरी रोटी और एक हरी मिर्च। हमने उनसे पूछा बाबा आप इसमें चटनी ले लेते, धनिया पीस लेते, कुछ तो कर लेते, प्याज रख लेते। उन्होंने कहा बाबा ये हमारी किस्मत में कहाँ है, अगर धनिया पीसो खाओ तो आज तो धनिया 150 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है, इतनी महंगी है कौन करके देगा हमको, कहाँ से अचार लाएंगे। और आपने देखा नहीं है अब ये 45 रुपए से तो 50 रुपए बन गए प्याज, मैं कहाँ प्याज खा पाऊंगा, मेरी नसीब में मेरी किस्मत में प्याज कहाँ लिखा है, मैं तो ये 2 रोटी और ये हरी मिर्ची के साथ अपना भोजन करवा लेता हूँ। आज स्थिति है राजस्थान की जनता की, ज्यादातर लोग जो सड़क पे हैं उनकी ये हालत है। हमारे हिंदुस्तान के प्लानिंग कमीशन ने कह दिया है कि 70% हमारे जो जनता है वो 70% गरीबी की रेखा के नीचे है। और मैं पता करना चाहती हूँ यहाँ बीपीएल के परिवार किन्हीं की इंक्वायरी तक नहीं की है, पता तक नहीं किया है, जिन लोगों को बीपीएल का सब मजा नहीं मिलना चाहिए था उनको तो बीपीएल में रख दिया, और जो गरीब बेचारे जिनको उनमें रहना चाहिए उन बेचारों किसी को उस मिल के अंदर रखने का काम ही नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये क्या चल रहा है और किस तरीके से कहां तक जनता आपको बैठे रहने देगी। मैं अधिकारियों का पता करना चाहती हूँ, क्या अहंकार हो गया है, हर चीज के ऊपर रिश्वत। आप अगर आज आपका ट्रांसफॉर्मर बिगड़ जाता है तो हमारे समय में 72 घंटे के अंदर आपको ट्रांसफॉर्मर घर में मिलना चाहिए था, आज 72 घंटे में ट्रांसफॉर्मर मिलता है, किसी को मिलता है? लग जाते 4 महीने 5 महीने, और जब तक आप रिश्वत नहीं दोगे तब तक वो ट्रांसफॉर्मर किसी के घर नहीं आता है। भरतपुर के कलेक्टर ने वहां के व्यवसायी को बुला के
चाटा लगा दिया। अरे कलेक्टर की हिम्मत है कि किसी को भी बुला के चाटा लगा दे? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जनता है मालिक और हम लोग सबको सेवा के लिए आप लोगों के लिए रखा हुआ है। या शायद लोग ये भूल रहे हैं, इस राजनीति के मदोश हो गए हैं, शायद ये भूल रहे हैं कि हम लोग सेवक के रूप में आपके सामने खड़े हुए हैं, मालिक के रूप में नहीं, ये भूल गए हैं। इसलिए आज ये 5 साल से हम लोगों को देखने को मिल रहा है और मैं ये कह रही हूँ उनको सबको याद आ जाएगा जब ये आपके 4 महीने निकल जाते हो, इलेक्शन का टाइम फिर आ जाता है तो वो मौका फिर से जनता के हाथ में आएगा। मुझे विश्वास है कि कोई चूकेगा नहीं और इस बार जोरदार तरीके से उन लोगों को कुर्सी से हटाने से काम करेगा जिन लोगों ने जनता का इतना मुसीबत करके रखा है। सब लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, मैं आज 65 वर्ष हो गए लोकतंत्र के भाई, ये किसान भाई मेरे बैठे हुए, हमारे अगर साम ना 5 साल निकाल दीजिए, भैरव सिंह जी के 7 साल निकाल दीजिए तो टोटल हो जाते 12 साल, नरेंद्र मोदी को उनके लोगों ने 15 साल दिया, तो क्या काया पलट गुजरात का करके रख दिया? आज दुनिया मानती है लोहा उनका कि 15 साल के अंदर गुजरात को बदल के छोड़ दिया। किसी तरीके से आपके शिवराज चौहान 10 साल के अंदर मध्य प्रदेश को बिल्कुल काया पलट करके छोड़ दिया है और यहाँ 53 साल दिए भाइयों, 1 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, 15 वर्ष नहीं, 53 वर्ष दिए हमने इस कांग्रेस को और इन्होंने अगर हमको गत में पहुंचा के छोड़ दिया है, हमारे लोगों का खून चूस के छोड़ दिया है, परंतु राजस्थान को आगे बढ़ाने का कोई काम आज तक नहीं किया। और सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, हम लोगों ने सब कुछ कर लिया। आपको याद है महानरेगा जब हमको आपने सरकार दी थी तो हमारी सरकार बिल्कुल जिसको कहते हैं बीमारू प्रदेश था, ये सब लोगों को मालूम है राजस्थान को बीमारू प्रदेश कहा करते थे। इस राजस्थान बीमारू प्रदेश को हम लोगों ने महानरेगा के द्वारा आगे बढ़ाने का काम किया तो पूरे देश के अंदर महानरेगा में नंबर 1 अगर कोई प्रदेश था तो वो था राजस्थान। 26 लाख लोगों ने काम किया और सबको सही टाइम पे पैसा मिला और 26 लाख लोगों ने जो परिसंपत्तियां बनाई वो हमारे साथ पार्टनर बन के उन लोगों ने राजस्थान को विकास के पथ पे ले जाने का काम मिलके हमारे साथ किया, हमने अकेले नहीं किया भाई। आप सोचते हो कि ये हमारी सरकार ने किया या हम 4-10 आदमियों ने किया, नई राजस्थान की पूरी जनता मिलके ये काम किए हैं। ये अकेले हमने नहीं, ये जादू हमारा नहीं, ये जादू आप लोगों का जादू था, इस चीज को भूलना नहीं है। महानरेगा आज 1 लाख लोगों को नौकरी दे रही है, सिर्फ 1 लाख, और 13,000 करोड़ भ्रष्टाचार, जोरदार भ्रष्टाचार मालूम किसके जेब में गया है। आज आप देख रहे हो कहां जमीन की खरीद फरोख्त हो रही है, बाड़मेर के अंदर कितनी जमीन खरीद ली और बेच दी, खानों का मौज मस्ती चल रहा है, अपने अपने लोगों को खाना आवंटित कर रहे हैं, अपने अपने लोगों को टीचर की पोस्टिंग दे रहे हैं, लेक्चरर की पोस्टिंग दे रहे हैं, भले ही उनके उसमें वो है या नहीं है, परंतु उनको तो बनाना है, तो सरकार है, अहंकार है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए 5 साल के अंदर कोई भी सब चीज को ताक पे रखते हुए अपने परिवारों को आगे बढ़ाने का काम इन लोगों ने किया। मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को, ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, ये फलेगा भी नहीं, इन सबके काले धन के बारे में सबको रिकॉर्ड मालूम है। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपके बीच में आके आप लोगों के बीच में ये सौगातें बांटने का काम जो कर रहे हैं ना, ये अगर 4 साल से करते तो हमको लगता कि हाँ ये सरकार हमारे लिए खड़ी है। या मेरे सब किसान भाई खड़े हुए हैं, भाइयों मैं आप लोग सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को जब पाला और ओलावृष्टि आपके खेतों में हुई थी तो क्या किसी को यहाँ मुआवजा मिला? क्या आप में से किसी को 1,50,000 का कर्जा बिना ब्याज के मिला? किसी को नहीं। बात तो हम करते हैं कि किसान भाइयों के लिए, किसान अन्नदाता के लिए, परंतु क्षेत्र के अंदर चले जाओ तो कुछ नहीं है उनके लिए, बस नहीं चल रही, पढ़ाई का काम नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, न खाद मिलता है, न बीज मिलता है, और मिलता है तो महंगा, और वो जब फसल काट के ले जाते हैं तो फसल के दाम माने बिल्कुल ही गिरे पड़े, ये स्थिति हो गई है। और राजस्थान का किसान कभी भी आत्महत्या पर नहीं आता था, ये तो महाराष्ट्र के लोग, आंध्र प्रदेश के लोगों में होता था, परंतु अब राजस्थान के लोगों के अंदर भी ये बात आ गई है और राजस्थान के किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं, ये पहली दफा राजस्थान के अंदर हो रहा है। भाइयों हम तो आप लोगों के सामने आए कहने के लिए कि हमको मिलके एक नया राजस्थान बनाना है, इस नए राजस्थान के अंदर हम सबको मिलके काम करना है। ऐसे थोथी घोषणाएं हमें नहीं करनी कि 1 रुपए किलो के हिसाब से हम आपको गेहूं दे देंगे, मिला किसी को?
मिला क्या? किसी को नहीं मिला। अभी खैर थल के अंदर 1 रुपए किलो के हिसाब से गए कि भाई हम देंगे बांटेंगे। बदबूदार गेहूं जो जानवर नहीं खाए ऐसा गेहूं, और वो गेहूं ले जाके जनता के बीच में बांटने का सोच भी रहते हैं, ऐसा कैसे कर सकती है सरकार? इसके बारे में आप लोग कभी पूछो, ये 1 रुपए किलो का हिसाब हमें गंदा गेहूं देंगे? ऐसा गेहूं पहले उनको कहो तुम खाओ, अगर तुम खा सकते हो तो जनता को दो, और तुम नहीं खा सकते हो तो जनता के बीच में वो गेहूं पहुंचाने का कोई औचित्य नहीं रहता है। ये खाली बकवास करना और ये कहना कि 1 रुपए किलो के हिसाब से हम गेहूं दे देंगे और इस तरीके से वायदे करना जो पूरे नहीं कर सकते, जनता को ख्वाब दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग सब अच्छी तरह से समझे हुए हैं कि आप क्या करने वाले हो। इसलिए नया राजस्थान, और उस नए राजस्थान के अंदर हमारी माताएं बहने अपना इज्जत के साथ चले, ऐसा नया राजस्थान, नया राजस्थान जिसके अंदर हमारी युवा उनको रोजगार मिले और वो स्वाभिमान के साथ अपने प्रदेश के अंदर जिए, एक ऐसा नया राजस्थान जिसपे हमारे किसान मजबूती के साथ अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, एक ऐसा नया राजस्थान जिसमें फैक्ट्री लगे, जिसमें व्यवसाय आए, जिसमें दुकानदार हो, और जिनकी वजह से हमारा राजस्थान फले फूले और बहुत अच्छा अपने पैर पे खड़े हो जाए। क्या आप लोगों ने भी वो सपना देखा है? आप भी चाहते हो कि आपके बच्चों को कुछ तो इसके अंदर हिस्सा मिले, और अगर ये चाहते हो तो भाइयों सब लोग अपना हाथ ऊपर करके तय कर लो कि हम लोगों को मिलके इस बार राजस्थान के अंदर सरकार लानी है, ऐसे लोगों को हटाना है जिन लोगों ने हमको इस स्थिति में डाल के रखा हुआ है। इसी मेरे साथ जोरदार एक जोरदार नारा, जय जय राजस्थान, जोरदार जय जय राजस्थान, और एक बीजेपी के लिए भारतीय जनता पार्टी। और मैं माता बहने आप लोगों को कहूँ, हम लोग सब साथ मिलके इस नए राजस्थान, विकसित राजस्थान, एक सुंदर राजस्थान, एक खुशहाल ऐसा राजस्थान बनाने के लिए चल पड़े। ये मैं नहीं, हम सब मिलके काम करेंगे, 36 के 36 कौम और सबके सब हमारे मजहब जब मिलके काम करेंगे तो हमारे विकास को कोई नहीं रोक सकता है। ये विश्वास के साथ आप लोग सबको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। घोटाले ही घोटाले हैं सब जमा कर रहे मिलकर काला धन, ना बिजली है ना पानी है, आम आदमी रहता परेशान। हम साथ चले तो बहन निकलेगी फिर विकास की धारा, हम साथ चले तो महंगाई से मिल जाए छुटकारा। आओ साथ चले।